हेलो फ्रेंड्स, जय माता रानी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं एक फिश की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। ऐसे तो फिश की सब्जी आप लोग बहुत बार बना के खाए होंगे। चलिए आज मेरे तरीके से और एक अलग तरीका है, चलिए बनाते हैं। आज जैसे मैं फिश की सब्जी बनाऊंगी वो मेरे पापा को बहुत पसंद था। चलिए बना के देखते हैं कैसे बनता है। मसाले के लिए मैं अदरक, लहसुन, जीरा और प्याज लिया है। चलिए इसको पहले मैं पीस लेती हूँ। मैंने कढ़ाई बिठा दिया है, अभी चलते हैं इसमें तेल डालते हैं। अभी तेल गरम हो रहा है। तेल गरम होते ही पंचफोरन और सूखा मिर्च हम डालेंगे। प्याज डाल दिया, थोड़ा सा भूनेंगे। अभी इसके बाद आलू और अरबी को डालेंगे। आलू और अरबी अभी स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे। अभी इसको हम ओढ़ेंगे मसाला गलने के बाद फिर ओढ़ेंगे। अभी इसमें हम मिर्ची पाउडर डालेंगे। मिर्ची पाउडर अपने हिसाब से डालिएगा, जो जिससे तीखा खाता है उसी हिसाब से डालिएगा। आलू अच्छे से भून गया है, अभी इसमें हम मसाला डाल देंगे जो पीस के रखे थे। इसको अच्छे से तेल छोड़ने तक मसाला पकाएंगे, मसाला का कच्चा स्मेल जाने तक। देखिए मसाला कैसे तेल छोड़ गया है। अभी इसमें हम टमाटर दे देंगे, इसको मिक्स करके फिर हम पानी दे देंगे अपने हिसाब से जितना हम तरी रखेंगे सब्जी में। अभी मैं पानी दे रही हूँ, इसको अच्छे से उबलने देंगे और सब्जी अभी इसके साथ हमारा अच्छे से पक जाएगा। अभी मैंने पानी दे दिया है, पानी को अच्छे से उबलने के लिए हम ओढ़ देंगे। फिर बैंगन और ड्रमस्टिक डालेंगे। देखिए बैगन डाल लेंगे, और इसको ओढ़ देंगे। बैगन पकने के बाद हम ड्रमस्टिक डालेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है सब्जी में। अभी इसमें हम ड्रमस्टिक डाल देंगे। ड्रमस्टिक अच्छे से पकने के बाद इसमें फिश डालेंगे। देखिए सारे सब्जी अच्छे से पक गए हैं, अभी हम इसमें फिश डाल देंगे। सब्जी का कलर भी देखिए कितना रेड रेड आया है। अभी इसमें हम फिश डाल लेते हैं। फिश का अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर एक से दो मिनट के लिए हाई फ्लेम में इसको पकाएंगे। फिर ऊपर से धनिया पत्ता डालेंगे। बन गया है मेरी सब्जी। अभी ऊपर से मैं धनिया पत्ता डाल देती हूँ। को जिस हिसाब से तरी चाहिए उसी हिसाब से तरी रखिएगा। मुझे राइस से साथ खाना है इसीलिए थोड़ा ज़्यादा तरी रख रही हूँ। चलिए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए थोड़ा गार्निश के लिए धनिया पत्ता डाल लेते। ये सब्जी बनाने में जितना इजी है खाने में उतना ही टेस्टी है। राइस के साथ खाओगे बहुत टेस्टी लगता है। एक बार जरूर बना के ट्राई कीजिए और कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।